हेलो नमस्कार दोस्तों, फ्री डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 5.2 पढ़ रहे हैं, जिसके हमने 6 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। आगे देखेंगे 7वां, 8वां, 9वां, 10वां क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। जैसे देखते हैं 7वां क्वेश्चन है, दो करणी कॉट एक्स वर्ग। तो जो भी सवाल है, पहले आपको वाई के इक्वल मानना है, फिर लिखना है एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखिए यहाँ वाई का अवकलन जो होता है, वाई का तो आपको पता है डी वाई बटे डी एक्स होता है, और अचर संख्या यदि कोई है इनटू में तो उसका नहीं हो सकता है। अब आपको करना होगा करणी कोट एक्स वर्ग। तो देखिए इसका अवकलन 3 भागों में होगा, पहले तो करणी का होगा, फिर कोट का आपको करना पड़ेगा, फिर एक्स वर्ग का करना पड़ेगा। 3 भाग, क्योंकि करणी का करेंगे, फिर कॉट का करेंगे, फिर करेंगे एक्स वर्ग का। तो आपको पता है करणी का जो होता है, जब भी करणी लगी हो तो करणी का होता है 1/2 करणी जे होता है। तो करणी का होता है 1/2, जैसे करणी एक्स का 1/2 करणी एक्स होता है, वैसे ही करणी का कोई भी करणी अंदर संख्या लिखी हो तो वो संख्या जाके ता लिख जाती है। तो इस प्रकार से इसका अवकलन होगा, करणी का पहले हमने किया है तो करणी का तो 1/2 करणी हमने किया। अब लेकिन जो भी अंदर संख्या थी उसका आपको रिपीट करना पड़ेगा। तो अंदर क्या था, कॉट एक्स वर्ग था, क्योंकि अभी करणी का किया, बाकी अंदर तो संख्या कॉट एक्स वर्ग है, जाके ता हमने लिखा। 2 से 2 तो कट जाएगा, 1/2 यहाँ पे करणी में क्या चल रहा है, कॉट एक्स वर्ग चल रहा है, जाके ता लिखा। अब यहाँ पे देखिए डी अपॉन डी एक्स, मतलब अवकलन करना है कॉट का, कॉट का करेंगे फिर एक्स वर्ग का इंटू में करेंगे। तो कॉट का यदि आप अवकलन करते हो तो माइनस कोसेक वर्ग होता है, तो माइनस कोसेक वर्ग, और जो भी थीटा था वो थीटा रहेगा, ठीक है ना। तो माइनस का कोसेक वर्ग, जो भी थीटा था वो थीटा रहेगा। इसके बाद जो है एक्स वर्ग का फिर दोबारा रिपीट करते हो, क्योंकि थीटा कोई अलग संख्या होती है तो उसका रिपीट किया जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, माइनस का हमने लिखा है कोसेक वर्ग, एक्स वर्ग लिखा है, और एक्स वर्ग का करोगे तो आ जाएगा 2x, एक्स वर्ग का किया होगा तो 2x आ जाएगा। और नीचे जो है करणी में क्या चल रहा है, कॉट एक्स वर्ग चल रहा है, जाके ता हमने लिखा। अब देखिए 2x को आप आगे लिखोगे ताकि एक्स वर्ग के साथ मिक्स ना हो जाए, क्योंकि ये थीटा है, ये थीटा नहीं है, तो 2x आएगा। और कॉस एक वर्ग एक्स वर्ग है, और अपॉन में क्या है, करणी कॉट एक्स वर्ग है, यही आपका आंसर होगा। देखते हैं 8वां सवाल है, जो भी सवाल है, पहले तो आपको वाई के इक्वल लिखना है, फिर लिखना है एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखिए जैसे अवकलन करेंगे तो वाई का तो अवकलन होता है डी वाई बटे डी एक्स, यहाँ पे करेंगे कॉस का, तो कॉस का क्या होता है, माइनस का साइन होता है। जो भी संख्या है थीटा के रूप में वो संख्या जाके ता रहेगी, लेकिन इस थीटा का आपको रिपीट करना पड़ेगा, करणी एक्स का रिपीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस का साइन करणी एक्स तो जाके ता हमने लिखा। अब करणी एक्स का रिपीट आप करते हो तो करणी एक्स का 1/2 करणी एक्स होता है, या फिर आप इसे इस टाइप से भी लिख सकते हो, साइन करणी एक्स 1/2 करणी एक्स लिखोगे और यही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, 9वां सवाल है, सिद्ध कीजिए कि एक फलन दिया गया है एफ एक्स मॉड एक्स माइनस वन, और जे एक्स बराबर 1 पे अवकलित नहीं है, हमें ऐसा सिद्ध करके बताना है। तो देखिए जब अवकलित नहीं है सिद्ध करना है तो आप ध्यान देना, जैसे सतत और असतत की बात होती थी तो वहाँ अलग बात थी, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपको निकालने पड़ते हैं। दो चीज़ें आप ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब अवकलज, डेरिवेटिव मतलब अवकलज, और राइट हैंड डेरिवेटिव, यदि दोनों बराबर आते हैं तो वो फलन अवकलनीय होता है, यदि दोनों बराबर नहीं आते हैं तो वो अवकलनीय नहीं होता है। तो इस सवाल में हमें अवकलित नहीं है, मतलब जे बराबर नहीं सिद्ध करना पड़ेगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात होती है तो यहाँ पे इसका फार्मूला आप ध्यान देना, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट एच टेंस टू 0, और फिर लेफ्ट हैंड का माइनस चिन्ह होता है एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी होता है, और बटे होता है एच।
ये होती है लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला। और राइट हैंड लिमिट में भी बिल्कुल सेम, बिल्कुल यही चीज़ लेनी है आपको। प्लस चिन्ह बस होता है एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी होता है और बटे में होता है एच। तो आपके लिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दो चीज़ें निकालनी हैं। यदि दोनों के आंसर बिल्कुल सेम नहीं आते हैं तो वो अवकलित नहीं होगा। तो इस सवाल में भी हम निकालेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। पहले तो आप निकालते हैं, लेफ्ट हैंड का मतलब होगा कि यहाँ पे लिमिट h टेंस टू जीरो नेगेटिव, मतलब माइनस चिन्ह यहाँ पे लगता है। और c का मतलब होता है जिस बिंदु पे आप निकाल रहे हो, c x बराबर 1 पे निकाल रहे हैं तो c का मान यहाँ पे 1 चलेगा। इस वजह से आप कह सकते हैं f 1 प्लस h, क्योंकि c प्लस h करना होता है, मतलब 1 प्लस h माइनस एफ सी मतलब एफ वन करेंगे और बटे में क्या होता है h। इसे सॉल्व करना होगा। और फिर दूसरी चीज़ और, आप राइट हैंड डेरिवेटिव को सॉल्व करेंगे, दोनों के आंसर आपको निकाल लें और चेक करना है, सेम यदि नहीं हुए तो कह देंगे कि अवकलित नहीं है। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसे आगे यदि आप सॉल्व करते हैं तो एफ वन प्लस एच की बात करेंगे, इस x की जगह आपको 1 प्लस एच रखना होगा। तो लिमिट हमने लिखा, h टेंस टू जीरो लिखा और 1 प्लस एच रखेंगे इस x की जगह, तो मोड आएगा 1 प्लस एच रखा है, माइनस का 1 है और माइनस फिर आपको 1 लेना है, तो यहाँ पे फिर आपने 1 रखा तो 1 माइनस 1 हो जाएगा। मतलब f1 का मान क्या होगा, यहाँ पे 1 रख दीजिए और f1 प्लस एच क्या होगा, यहाँ पे 1 प्लस एच रख दीजिए और बटे है h, h बटे लिखते चलिए। और आगे आप सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंस टू जीरो लिखा, अब 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, मोड h बचा होगा, माइनस यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा, बटे h लिखा। अब देखिए चूंकि हमें पता है कि चूंकि आप जो है h का मान जो है जीरो से छोटा ले रहे हो, मतलब माइनस का ले रहे हो, इस वजह से मोड h का मान जो होगा माइनस एच होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है चूंकि यहाँ पे जो एच का मान ले रहे हो वो जीरो से क्या है, छोटा है, और जब जीरो से छोटा है तो आप कह सकते हो मॉड एच का मान माइनस एच होगा। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस और यहाँ पे मॉड एच का मान माइनस एच हो जाएगा, माइनस जीरो आप लिखो ना लिखो बटे एच होगा। और आगे आप सॉल्व करोगे तो लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस, माइनस का 1 बचा होगा और माइनस 1 में यदि h का मान जीरो रख देते हो तो आंसर निकल के आया माइनस 1। तो एक तो आंसर आया माइनस 1, दूसरा आंसर देखते हैं क्या आएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव तो इसमें आपके लिए वही सब चीज़ें हैं कि लिमिट h टेंस टू जीरो प्लस होगा इस बार, मतलब जी सब चीज़ें आएंगी, f1 वन प्लस एच आएगा, मान रखोगे यहाँ मोड एच से केवल चेंज होगा। तो यहीं से हम लिख लेते हैं क्योंकि इतना सब तो बिल्कुल सेम आएगा, बटे h होगा, इतना सब बिल्कुल सेम आएगा। अब चूंकि हमें पता है कि मोड h का मान यहाँ पे यदि h का मान जीरो से बड़ा है तो मतलब h का मान धन का आएगा, क्योंकि h जो है जीरो से बड़ा है, इस वजह से जब जीरो से बड़ा है तो प्लस का एच, जीरो से छोटा है तो माइनस का एच, तो यहाँ पे प्लस का एच होगा, जे जाके ता लिखा है हमने, और बटे एच होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो हमने लिखा है, और फिर जो है एच बटे एच मतलब एक हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस एक हो जाएगा, और इस एक का लिमिट भी अप्लाई करोगे आंसर होगा एक। अब आप देख सकते हो चूंकि यहाँ पे हमने लिखा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं आया है राइट हैंड डेरिवेटिव के, अतः जो है एक्स बराबर 1 पर जो फलन था अवकलित नहीं होगा। इसी प्रकार से हम देखेंगे अगला 10वां क्वेश्चन है, एक महत्तम पूर्णांक फलन की बात हो रही है जो एफ एक्स बराबर ब्रैकेट एक्स होता है, यदि एक्स का मान 0 और 3 के बीच हो तो आपको बताना एक्स बराबर 1 पर एक्स बराबर 2 पे अवकलित नहीं है फलन। तो आपको ब्रैकेट एक्स के बारे में तो पता है महत्तम पूर्णांक फलन होता है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि यदि एक्स का मान, ठीक है, एक्स का मान यदि इस टाइप से 1.01 है तो आंसर 1 होता है, लेकिन यदि 0.99 है तो आंसर 0 होता है,
ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट क्या करता है, दशमलव के बाद वाले अंकों को छोड़ देता है, बाकी पूर्णांक में आंसर देता है। अब देखिए, आपके लिए अवकलित नहीं सिद्ध करना है, तो x बराबर 1 के लिए हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यदि आप निकालते हैं तो आपको फार्मूला पता होगा कि लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एफ सी प्लस एच होता है, माइनस एफ सी होता है बटे एच होता है, जो फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ सी की बात हो रही है, सी कितना है, 1 है, तो यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू और यहाँ पे 0 माइनस की बात हो रही है, और यहाँ एफ हो जाएगा 1 प्लस एच हो जाएगा और माइनस हो जाएगा, एफ 1 हो जाएगा और बटे क्या होगा, एच। और आगे यदि आप सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस एच यहाँ पे x की जगह पे आप रख दोगे, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस यहाँ पे हमने रखा है 1 प्लस एच, और यहाँ पे माइनस f 1 का मान, मतलब यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा, और बटे क्या है, h है। अब ध्यान देना, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस यहाँ के था 1 प्लस एच की यदि बात करें, h का मान क्या है, यहाँ पे देखिए h का मान यहाँ पे 0 से छोटा है, मतलब ऋणात्मक। यदि ध्यान देना, यहाँ पे h का मान यदि ऋणात्मक रहा, मान के चलिए यहाँ पे 0.1 भी रहा होगा, तो घटाओगे आ जाएगा यहाँ पे 0.9, मतलब आंसर क्या आएगा आपके पास, 0 आएगा, क्योंकि यदि h का मान ऋणात्मक है तो ये संख्या एक ना होके कम जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे h का मान यदि ऋणात्मक है तो 1 माइनस कुछ करोगे तो संख्या कम जाएगी, फिर इसका आंसर आएगा 0, और एक का मान तो एक ही होगा और बटे h होगा। और यहाँ से यदि आप और आगे सॉल्व करते हो तो लिमिट h टेंस टू 0, अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दोगे, -1/0 और 0 से भाग करोगे, इनफाइनाइट आ जाएगा LHS का आंसर या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। अब देखते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव हम निकालेंगे, और राइट हैंड डेरिवेटिव में आपको सेम यही चीज़ लेनी है, लेफ्ट हैंड जैसी राइट हैंड भी होती है, बस यहाँ पे प्लस का चिन्ह हम लगाते हैं, और यहाँ तक तो बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे जो f 1 प्लस एच था उसका मान आप 1 प्लस एच ही रखोगे, माइनस 1 है, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम होगा बटे एच। अब देखिए यहाँ एच का मान 0 से बड़ा है, मतलब यहाँ पे छोटा था, लेकिन अभी यदि बड़ा हो जाएगा, 0.1 प्लस का हो जाएगा, तो फिर 1.01 बनेगा, और इसका आंसर क्या बनेगा, फिर 1 बनेगा, तो इसका आंसर 1 से ज़्यादा होगा, इसका आंसर 1 से कम था मतलब 0, और 1 से ज़्यादा होगा मतलब आंसर क्या होगा, 1, यहाँ पे भी 1, और यहाँ पे h होगा, और यहाँ पे जाके तो हमने लिखा है कि लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, और आगे आप सॉल्व करोगे तो लिमिट h टेंस टू 0 प्लस जाके तो हमने लिखा है, और यहाँ पे 0 बटे h आएगा, 0 बटे h का मतलब क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, और आप मान भी रखोगे तो आंसर निकल के आएगा 0, और 0 जब आंसर आया तो आप क्या कह सकते हैं, चूंकि यहाँ पे x बराबर 1 के लिए हमने देखा कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव बिल्कुल भी समान नहीं आ रहे हैं, तो समान नहीं आ रहे हैं, अतः x बराबर 1 पर जो फलन होगा वो अवकलित नहीं होगा, अवकलित नहीं है। इसी प्रकार से देखते हैं x बराबर 2 पे अवकलित नहीं है, इस बात को भी हम सिद्ध करेंगे, तो x बराबर 2 के लिए निकालेंगे, तो x बराबर 2 के लिए आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब होगा कि लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, और f अब यहाँ पे 2 प्लस h लेना होगा, यहाँ पे अब हम आगे x बराबर 2 के लिए निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड कैसे निकाला जाता है, 2 प्लस एच माइनस एफ 2 करना होता है, और बटी क्या करना होता है, h। अब इसका मान देखते हैं क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, अब देखिए आपके पास फलन क्या है, एफ एक्स बराबर ब्रैकेट एक्स है। अब देखिए जब एक्स की जगह आप 2 प्लस एच रखोगे तो 2 प्लस एच का ब्रैकेट आएगा, माइनस एफ टू का मतलब होगा यहाँ पे 2 रखना होगा, और बटे क्या करना होगा, एच।
अब देखिए यहाँ पे एफ टू प्लस एच, टू प्लस एच का मतलब है एक्स की जगह टू प्लस एच, एफ टू का मतलब है एक्स की जगह टू। अब यदि आप देखोगे एच का मान यहाँ पे क्या है, ऋणात्मक है, मतलब यहाँ पे देखिए दो में से यदि कोई संख्या कम हो जाएगी, जैसे दो में से 0 पॉइंट कम हो जाएगा तो 1 पॉइंट कुछ बचा होगा, आंसर 1 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 1। और 2 का कितना होगा, 2 होगा अपॉन एच लिखा है, और लिमिट एच टेंस टू 0 जाके हमने लिखा है। अब देखिए इसको और आगे आप सॉल्व करोगे तो लिमिट यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन एच बचा होगा माइनस का, ठीक है, तो माइनस का 1 अपॉन एच होगा, और इसमें लिमिट अप्लाई करोगे तो यहाँ -1/0 आएगा, मतलब इन्फिनिटी आंसर आया। अब देखते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए, देखते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब लिमिट एच टेंस टू प्लस यहाँ पे होगा एच प्लस, यहाँ पे देखिए इतना सब तो बिल्कुल सेम रहेगा, 2 + h - 2 और फिर अपॉन में रहेगा h। अब देखिए यहाँ पे h का मान 0 से बड़ा है, मतलब यहाँ 2.01 है समझ लीजिए, तो आंसर होगा इसका 2, क्योंकि यहाँ पे 2 से ज़्यादा है 2 होगा, और 2 का तो मान बिल्कुल 2 होगा बटे h होगा, और लिमिट h टेंस टू 0 प्लस हमने जाके ता लिखा है। अब देखिए यहाँ तो 0 बटे h आ जाएगा, तो लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस यहाँ 0/h, 0/h का मान कितना होता है, 0 ही हो जाएगा, तो एच टेंस टू 0 प्लस 0 हो जाएगा, लिमिट भी रखोगे 0। एक इन्फिनिटी एक 0 बिल्कुल बराबर नहीं आया है, x बराबर 2 के लिए हम कहेंगे 2 के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं आया है राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए, अतः जो है x बराबर 2 के लिए फलन अवकलित नहीं है।